क्या बात है भाई। ओहो 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 भाई, ऐसे करके फरफर आ रही थी बाइक। ओह नाइस नाइस, वाह ब्रो क्या बात है भाई। आराम से कर ले दोबारा, आराम से करना, पर ओ बस 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 ऐसे स्माइल करते रहना भाई। अगर तुम्हारी छोटी सी चीज से कोई खुश होता है ना, उसे खुश रहने दो और खुश करने की कोशिश किया करो। ओ फक, ओ गया था भाई, इतनी सी जगह थी, इतनी सी। ओ फक, ओ भाई धक्का लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने हाथ पकड़ा हुआ, बाइक कैसे जा रही है, इंजॉय करो भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और अच्छे से मस्त प्यारे से व्लॉग में। आज का व्लॉग देख लो तुम कहाँ से शुरू हो रहा है, पीछे केटीएम सर्विस सेंटर से। एक्चुअली मैं कल, मैंने तुम्हें व्लॉग में देखा ही होगा, बाइक के ना टायर बिल्कुल भी खत्म है, मतलब जो साथ में टायर आए थे ना, मैं सोच रहा हूँ ना वही टायर इसमें इंस्टॉल करवाते क्योंकि वही ठीक रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपनी बाइक में डलवाए थे ना दूसरी में बाहर से टायर, वो भी ठीक रहते हैं, बट ये थोड़ी छोटी बाइक है ना, ड्यूक में और आरसी में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं सोच रहा हूँ वही वाले टायर इसमें इंस्टॉल करवाऊँ। तो भाई तुम्हारा तुम सबसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है भाई, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाओ, ठीक है, प्यार नहीं दिखा रहे तो मुझे पता है मेरी गलती है, काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया तो इतना तो टाइम लगेगा ही थोड़ा बहुत, बट कोई नहीं, डेली ब्लॉग करूँगा, अच्छा कंटेंट लाऊँगा, तुम सबको मज़ा एंजॉय करोगे तुम सब। तो बाकी यहाँ पे टायर वगैरह चेंज करवाते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे एक राइड के लिए, घर पे थोड़ा बहुत काम भी है, बस जस्ट यहाँ से एक बार फ्री हो जाओ ना, फिर मैं इसकी वॉशिंग वगैरह करवाऊंगा, फिर जाके घर पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्यारा सा व्लॉग शाम को तुम्हारे लिए आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, अगर कोई नया अभी देख रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। ये रहे अपने वो टायर जो हमने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाने हैं, अभी ये टायर ना KTM में साथ में आते हैं, तो पहले मैंने सोचा था कुछ और डलवाऊँ बट फिर नहीं, यही वाले डाल देते हैं भाई, ये अच्छे रहेंगे। सो ऑल राइट गाइस, फाइनली अभी तुम टाइम चेक करो, टाइम क्या हो रखा है इस टाइम, 3:36, मतलब 3:36 हो गया, सुबह 11 बजे आया था, तो अभी जाके फ्री हुआ हूँ। तो अभी फाइनली हमने टायर वगैरह चेंज करवा लिए भाई, जो कि सबसे बड़ी चीज़ थी, अभी यहाँ से फ्री हो जाते हैं, निकलते हैं। बाहर से भी मैं करवा सकता था, आधे घंटे में चेंज हो जाते हैं, 3-4 घंटे नहीं लगते। सीन क्या था, ये टायर ना बाहर से बहुत कम मिलते हैं, जो साथ वाले टायर आते हैं ना, और मिलते हैं, एक मिलता है अलग मिलता है, फिर दूसरे मिलते नहीं, तो इसीलिए अभी यहाँ से डन किया, अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, व्लॉग भी नहीं बना अभी अच्छे से, जाके राइड करते हैं एक पैरी सी और फिर निकलते हैं सीधा। से मैं तुम्हें बता दूं भाई क्या सीन हुआ है, सुबह 3-4 घंटे से ना इधर ही बैठा हूँ सिर्फ ना टायर चेंज करवाने के लिए, और यहाँ पे भाई टायर के चार्जेस पता क्या लगे हैं मेरे को, इनके में लेबर मतलब शोरूम से अलग से इन्होंने लिया, जो चेंज किया बंदा बाहर उठा के लेके गया था बेचारा, जो जिसने फिटिंग वगैरह करवा के लाई है उसको अलग से, मान लो कि मेरा ना 1000 रुपया लग गया भाई सिर्फ टायर चेंज करवाने में, और टायर लिए अलग से है। मेरे को लग रहा है अभी मैं सोच रहा था कि बाहर से क्यों नहीं मैंने चेंज करवाया, ऐसे यहाँ पे टाइम भी वेस्ट किया और पैसे भी ज़्यादा लग गए भाई। चलो कोई नहीं, जो होना था वो हो गया, लेट्स गो। अभी मेरे साथ है भाई अमान, दो बाइकें अपने साथ हो रहे हैं। देख लो इस टाइम पता क्या है तुम्हें ना, रोड पे ना ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्या सीन है क्योंकि कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, सारे लोग हैं ना जो वापस आ रहे हैं, तो रोड पे ना ध्यान से चलना है, खासकर शाम के टाइम में ना अचानक से कोई चीज़ आगे आ जाती है, बंदे को बिल्कुल भी नहीं दिखता और दम ऐसे होगा ठा सीधा ही, लेट्स गो। अभी ना बाइक को ज़्यादा खींच नहीं सकता मैं क्योंकि ना ग्रिप बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 5 से 6 किलोमीटर चल जाए ना अच्छे से। ओ भाई देख लो ब्रेक नहीं लग रही थी भाई, सुबह जब मैं लेकर आया ना इतनी मरी हुई चल रही थी, इसको पता ही नहीं था कि मेरे नीचे है भी है कुछ या नहीं, अभी लग रहा है कि हाँ जान में जान आई है। ओहो अच्छा यहाँ पे लग चुकी है भाई रेस। ओहो ओहो कैसे बाइक कंट्रोल की है देख लो तुम, पूरी स्किट की है भाई, ये टायर देख रहे हो पीछे वाला, ये पूरा स्किट किया है इसने। तो यहाँ पे ट्रैफिक वाले ना आ जाए, जम्मू में बहुत ज़्यादा सीन है भाई, गोप्रो देखा लगा हुआ देख लिया ना अगर किसी ने तो वो बिना पकड़े तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सिग्नल पे रुके हैं। ओ चाचा क्या बात है भाई, R15 ज़्यादा भाग रही है या मुझे भगाना नहीं आ रही है। ओ फक गया था भाई, इतनी सी जगह थी, इतनी सी। ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही मेरी, ब्रेक के पास। ये वाली ब्रेक ना पूरी जाम हो गई थी, ये पता नहीं अभी अभी उसने ना ब्रेक ये सेट किया ना, पूरा खोला हुआ था, ऑयल डालना था यहाँ पे, तो अभी ये ब्रेक ना पूरी जाम हो गई थी, गियर के चक्कर में मैंने ना पूरी ये वो की है कंट्रोल बाइक। ये देखो दोबारा जाम होगी, फक ये क्या हो रहा है भाई,
ये तो मेरे को गिरा देगी ऐसे, चेक करवानी पड़ेगी भाई। यार ये जाम हो गया यार, अच्छे से बज नहीं रही है। ये देख हाँ कितना पंप करो, कर रहा हूँ यार कब से। आराम से कर ले दोबारा, आराम से करना। पर ओ बस बस बस, ऐसे स्माइल करते रहना भाई। अगर तुम्हारी छोटी सी चीज से कोई खुश होता है ना, उसे खुश रहने दो और खुश करने की कोशिश किया करो। क्या बात है भाई, मेरे को डर है मेरा पेट्रोल ना खत्म हो जाए। ओ भाई चलो 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 चलो, क्या बात है। आज मेरे को ना थोड़ा डर कम लग रहा है ना इसको ऐसे ऐसे करने में। कल जब मैं इस बाइक को लेकर आया था ना अपने घर पे, उस टाइम ना मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में थी, सिर्फ टायरों की वजह से। ये देखो क्या बात है रे छोरा, एकदम सेक्सी बाइक चला रहा है भाई, मजा आ गया। चाचा ग्रीन सिग्नल हो गया, साइड हो जाओ। ओ भाई पेट्रोल खत्म हो गया, फक यार, मुझे पता था पहले ही। तो भाई अभी हमारे पास ना दूसरी बाइकें पहुंच चुकी हैं, और मैंने ना अपनी बाइक वहां पे लगा दिया, पेट्रोल खत्म हो गया था। और मैं अभी तुम्हें बता ही रहा था तो पीछे से ना पुलिस की जिप्सी आ रही थी, और मैंने बाइक यहां पे साइड पे लगा दी थी, क्योंकि ये तो भाग जाते हैं, मेरी में पेट्रोल नहीं है। तो अभी पेट्रोल फिल करवाते हैं पहले जाके। हो भाई धक्का लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने हाथ पकड़ा हुआ भाई, कैसे जा रही है, इंजॉय करो भाई। हाथ में पावर देख रहे भाई, पूरी बाइक खींच रही है। फाइनली यहाँ पे हमारा पेट्रोल हो चुका है भाई 500 का, कल का दिन निकल जाएगा। और आज तो फिलहाल राइड तो होगी नहीं अच्छे से, तो आज मुझे पता लगा कि ना पेट्रोल ना हर टाइम ना होना चाहिए बीच में, कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। आई गए हैं भैया, हो गया, चेक करो, ठीक है, थैंक यू। जो मज़ा लीन करने का आरसी में आता है ना भाई, मेरे को ना ड्यूक पे वो वाली फील और वाइब भी नहीं आ रही है भाई, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। लीन पे मैं ना बिल्कुल रोक देता हूँ, आ जा। ओहो क्या बात है भाई, ओहो ओहो भाई वाह, मज़ा आ गया, क्या बात है। ऐसे ऐसे करके फरफर आ रही थी भाई, ओह नाइस नाइस, वाह ब्रो क्या बात है भाई। क्या बात है, क्या बात है भाई, सामने तुम देखो भाई, क्या बात है, आसमान कितना प्यारा लग रहा है भाई, देख रहे हो। ओहो लाजवाब, एक नंबर, चेक करो भाई, पता नहीं तुम्हें कैसा दिख रहा है कैसा नहीं, पर यहाँ से ना काफी अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है, देख लो। बाइक ही स्लो करनी पड़ी मेरे को। फाइनली गाइस अभी पहुंचे हैं जम्मू के फेमस स्टैंड पॉइंट पे, सारे बाइकर अपने यहाँ पे फुल पावर रेडी हैं। मैंने बाइक की ना चाबी साथ ही रखी है, ऑन रखी है, इन केस पुलिस आती है तो भागना पड़ता है। बस व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है जम्मू में, खुद सोचो। ओहो ये क्या कर रहा है, ओ फक, ओ भाई, ओ हो टायर खत्म। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, व्लॉग एडिट कर लिया है प्यारा सा मस्त सा। उम्मीद करता हूं कि तुम सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बस थोड़ा बहुत काम था मुझे शोरूम में, थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना अच्छा सा प्यारा सा और ज़्यादा व्लॉग आता, बट कोई नहीं, मैनेज कर लो। कमेंट कर दो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़ यार। सिर्फ तुम हार्ट भेजते हो, इमोजी भेजते हो कमेंट बॉक्स में, इमोजी के साथ साथ ना कुछ प्यारा सा लिख भी दिया करो, वो आज वैसे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को प्यार करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय बाय, मिलता हूँ कल सेक्सी वाले ब्लॉग के साथ।